तो वो क्या करता था ही वर्क ऑन फार्म विद हिज फादर वो अपने पिताजी के साथ फार्म पे काम करता था इसका ऑप्शन होगा सी सेकेंड वेन डिट गोल्डन विंडोज यूजर उसे गोल्डन विंडोज नॉर्मली कब दिखाई दिया करती थी सनसेट के टाइम तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा एट सनसेट ऑप्शन नंबर सी सेकेंड का होगा ऑप्शन सी एट सनसेट थर्ड देखिए वॉट डिड मिसेज कैंपेल टेल स्टीव अबाउट हर फैमिली मिसेज कैंपेल ने स्टीव को अपनी फैमिली के बारे में क्या बताया था कि वो बहुत गरीब हैं तो इसमें क्या आएगा दे वर ऑर्डिनरी फार्मिंग पीपल ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट पॉला इज नॉट ट्रू इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पॉला के लिए ट्रू नहीं है सही नहीं है शी हैड अ ब्लैक काफ शी बिकम स्टीव फ्रेंड शी वॉज द सेम एज ऑफ स्टीव शी वेंट टू द सेम स्कूल एज स्टीव तो इसका ऑप्शन होगा डी क्योंकि लेसन में कहीं पर भी मैंशन नहीं है कि स्टीव और वो एक ही स्कूल में जाते थे तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा शी वेंट टू द सेम स्कूल एज स्टीव ये स्टेटमेंट रॉन्ग है पोला के बारे में फिफ्थ विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट स्टीव इज ट्रू अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट स्टीव के लिए सही है ही एट नथिंग एट हाउस उसने पोला के हाउस पे कुछ नहीं खाया ही रियलाइज दैट इज हाउस ऑल्सो विंडोज उसने रियलाइज किया कि उसके घर की भी गोल्डन विंडोज है ही हैड अ ब्लैक विद अ वाइट स्टार ऑन हेड्स फॉर हैड ही टोल्ड पोला वॉट ही हैड लर्न अबाउट द गोल्डन विंडोज तो इसमें कौन सा करेक्ट है ही एट ही रियलाइज दैट इज हाउस ऑल्सो हैड गोल्डन विंडोज उसने ये रियलाइज़ किया कि उसके घर की भी खिड़कियाँ सुनहरी ही दिखाई देती हैं अब इसमें थिंक एंड आंसर है जिसका आपको सिर्फ सोचना है मतलब पढ़ के देखना है और बुक में ढूंढना है इसका आंसर राइट डाउन नहीं करना है बाकी के जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये सारे आपको राइट डाउन करने हैं अपनी बुक में नहीं समझ में आता है यू कैन टेल टू मी आई अगेन एक्सप्लेन यू कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ऐसा नहीं कि होमवर्क नहीं करना होमवर्क जरूर करना है डेली जो भी आपको वीडियो भेजा जाता है उसे उसे अच्छे से देखें पढ़ें उसे सीखें नोटिस करें करें और उसके बाद में उन्हें लर्न ठीक है अब आती है ग्रामर की बारी तो इसमें जो ग्रामर है वो हमने कल फर्स्ट चैप्टर जो पॉजिटिव का मैंने आपको भेजा है उसमें आपको देखने को मिलेगा इसका जो ग्रामर का पॉइंट है वो उसमें दिया हुआ है तो ये था आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ठीक है अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए थिंक एंड आंसर में दिया हुआ है व्हाट डू यू लर्न अबाउट स्टीव स्टीव फ्रॉम स्टोरी आपने से स्टीव के बारे में स्टोरी से क्या क्या सीखा सीखा तो हमने क्या कि स्टीव इज अ ऑनेस्ट बॉय ही इज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट बॉय क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ घर पे काम किया करता था और बहुत ईमानदार बच्चा था है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर द गोल्डन विंडोज ओनली विजिबल एट सनसेट ऐसा क्यों होता था कि सिर्फ सनसेट को ही दिखाई देती थी गोल्डन विंडो क्यों होता था क्योंकि जब सनसेट होता था तब उसकी जो गोल्डन रेज है वो उस खिड़कियों पर पड़ती थी थर्ड क्वेश्चन इज वॉट डिड स्टीव लर्न ऑफ डे ऑफ फ्रॉम वर्क अंत में स्टीव ने क्या सीखा उसने सीखा कि किस तरह एक नॉर्मल विंडो गोल्डन विंडो बन जाती है तो ये था नॉर्मल क्वेश्चन जिनको हमें डिस्कस करना है ठीक है अब देखिए यहाँ ग्रामर की बात आती है सर्किल द कॉमन नाउन एंड अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कॉमन नाउन वो होता है जिसमें हम नॉर्मली किसी भी जगह चीज व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में बात करते हैं बट प्रॉपर नाउन क्या होता है प्रॉपर नाउन वो होता है जब हम किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम लेकर पर्टिकुलर किसी के बारे में बात करते हैं तो इसका क्वेश्चन देखिए कैटी द किटन इज स्लीपिंग इन अ हैट तो कैटी क्या हो गया प्रॉपर स्लीपिंग इन अ हैट तो हैट हो गया नॉर्मल कॉमन नाउन द पपी वैग टेल तो पपी हो गया प्रॉपर नाउन टेल हो गया कॉमन नाउन ब्रिंदा इज अ स्लिम गर्ल तो गर्ल हो गया कॉमन नाउन ब्रिंदा हो गया प्रॉपर नाउन ये तीन मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं बाकी के आपको खुद सॉल्व करने हैं ठीक है तो ये था आज का हमारा चैप्टर का एक्सरसाइज जो चैप्टर हम लोगों ने कल रीड आउट किया था अ हाउस विद द गोल्डन विंडोज ठीक है अब कल हम इसके बारे में अब कल हम लोग रीड आउट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर ठीक है तब तक आपको इस क्वेश्चन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं और जितने भी क्वेश्चन आंसर आप करोगे उनको सीरियल वाइज लिखना है टॉपिक्स में लिखना है पॉइंट्स में लिखना है ये पॉइंट्स में लिख के आप लोग मुझे भेजोगे उसके बाद में आई एल चेक एंड रिसेंड टू यू इफ एनी कन्फ्यूजन टू यू यू कैन टेल टू मी आई एल एक्सप्लेन यू ओके टिल देन हैव अ गुड डे गुड बाय किड्स